तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एमएमटीसी लिमिटेड, इस स्टॉक में आज के दिन 1 रुपए 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 83 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना 74 रुपीज का। 74 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया और यहीं से स्टॉक में एक वन वे रैली बनती हुई नजर आई, जहां पर स्टॉक का एक टॉप बना 102 रुपीज का। 102 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने 73 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है, जो कि स्टॉक का पिछला भी एक सपोर्ट लेवल था। यहां से फिर से स्टॉक में एक अच्छा डिमांड जोन देखने को मिलता है और ऊपरी लेवल पर स्टॉक एक हाई बनाता है 89 रुपीज का। अब स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 73 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 102 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 74 रुपीज से ऊपर रहता है, स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है ऊपरी लेवल पर अराउंड 90 रुपीज पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है, जहां से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है 90 रुपीज को, तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।